भर में आटे की दस्तियाबी मुकर्रर करदा कीमत पर यकीनी बनाने की हदायत कर दी। वज़ीरे आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने हदायत की है कि आटे की मुकर्रर करदा कीमत पर फरोख्त यकीनी बनाने के लिए मौसर इकदाम किए जाएँ और मार्केट में आटे की सप्लाई को भी बेहतर बनाया जाए। उस्मान बुज़दार ने इस हवाले से अपने एक बयान में कहा कि आवाम को हुकूमती नर्ख पर आटे की दस्तियाबी में कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं करूँगा। उन्होंने कहा कि आटा ज़खीरा करने वालों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाए। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा कि ज़खीरा अंदोज माफिया को आवाम का इतसाल नहीं करने दूंगा। पंजाब में गंदम के वाफर स्टॉक मौजूद हैं। कराची के इलाके लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में हौलनाक आतिशबाजी ने 3 फैक्ट्रियों और करोड़ों रुपए की मालियत के सामान शाम 6 बजे के करीब आग लगी। इब्तदाई तौर पर गत्ते की फैक्ट्री में लगी, जिसने देखते ही देखते 7 मौजूद गारमेंट और प्लास्टिक की फैक्ट्रीज को भी अपनी लपेट में ले लिया। दिन भर में पोलियो मुहिम का आगाज हो गया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि आज से पोलियो मुहिम शुरू हुई है, अवाम इस मुहिम को कामयाब बनाए। मुराद अली शाह ने पोलियो मुहिम के आगाज पे अपने बयान में कहा कि पोलियो मुहिम में कोई बच्चा नहीं रहना चाहिए, वो बच्चे जो गुज़श्ता मुहिम में रह गए बराए मेहरबानी उनको पोलियो के कतरे जरूर पिलाए जाएं। उन्होंने कहा कि पोलियो की कामयाबी आवाम और पोलियो वर्कर्स पर मुनहसर है। मुझे यकीन है कि लोग अपने बच्चों को अपाहज बीमारी से बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि हमें पोलियो वायरस से अपने बच्चों को बचाना है। पाकिस्तान खास तौर पर सिंध से पोलियो वायरस का खात्मा करना है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कहना है कि क्रिकेटर आबिद अली का आबिद अली को डर्बी में गुज़श्ता रोज प्रैक्टिस मैच के दौरान हेलमेट